नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका एक बार फिर से अपने परिवार द स्पीड स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है अपने एक एक कदम पर रीजनिंग के आखिरी उस पर आ चुके हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। और सीटिंग अरेंजमेंट मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, रैंकिंग चैप्टर अभी भी आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसी से आधारित है। देखिए रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट और ये तीसरी जो पजल हमने पढ़ाई अभी कुछ दिन पहले, तो ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से मैच करती हैं। तो जब भी पढ़ाया जाता है ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़ाया जाता है। पजल हमने पढ़ाया और पजल पढ़ाने के बाद फिर अब मैं जो है सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाने चल रहा हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट का काम भी वही, जैसे पजल में आपने पढ़ा था कि 10 कमरे हैं, जो चौथे कमरे पर है वो फिजिक्स पढ़ाता है, जो इस पे है वो ये करता है वो करता है, तो ये जो टाइप है यही टाइप इसमें भी है लेकिन ये बाद में है। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 व्यक्ति बैठे हैं और बी जो है बाएं से चौथे नंबर पे है, डी दाएं से आठवें नंबर पे है, मोहन या यफ जो है बी के बाएं दूसरे नंबर पे है, तो इसी तरह से दिया गया रहेगा उसको हमको अरेंज करना रहेगा। या फिर कह दिया गया कि एक मेज के चारों तरफ पांच व्यक्ति बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है वो दोनों टाइप हम जो है पढ़ते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत। तो सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम दो टाइप पढ़ते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। एक ओपन और एक क्लोज। तो देखिए जब ओपन पढ़ेंगे तो ओपन वाले में हमारा जो है सीधा व्यक्ति बैठता है, ठीक सीधा व्यक्ति बैठेगा मतलब एक पंक्ति में बैठते हैं। और जब क्लोज की बात करेंगे तो उसमें त्रिभुज में बैठ सकते हैं, चतुर्भुज के आकार में बैठ सकते हैं और उसके बाद फिर डायगोनल के आकार में बैठ सकते हैं और आपके जैसे पंचभुज के आकार में बैठ सकते हैं, तो एक दो तीन चार और पांच खष्टभुज के आकार में बैठ सकते हैं, किसी भी आकार में वो बैठ सकते हैं। फिर उनके ऊपर निर्भर रहता है कि प्रश्न में क्या दिया है। बस ये जानिए कि क्लोज में आपका जो रहेगा वो बंद रहेगा। और क्लोज में जो है मैक्सिमम क्वेश्चन क्लोज का ही पूछा जाता है, इसमें का भी पूछा जाता है लेकिन इसमें का जो क्वेश्चन रहता है वो आपका पूछ लिया जाता है फिगर काउंट उससे। इसमें का जो चैप्टर पूछा जाता है, ये चैप्टर पूछ लिया जाता है आपके जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ाया था रैंकिंग से, तो रैंकिंग से इसमें का प्रश्न ज्यादा बनता है। लेकिन अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो उसमें आपके क्लोज क्रम के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इसके तीन टाइप है, तीन टाइप मतलब कि आप देखिए मैं वृत्त लेकर बता रहा हूँ, वही चीज वर्ग के लिए भी है, वही चीज चतुर्भुज के लिए भी है, वही चीज आयत के लिए भी है, वही चीज समकक्षभुज के लिए है, वही चीज समभुज के लिए है, सब चीज के लिए। अब देखिए अगर मान लीजिए वृत्त के चारों तरफ कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो या तो उनका मुख अंदर होगा या तो उन सभी का मुख अंदर की तरफ होगा और या तो उन सभी का मुख बाहर की तरफ होगा। ठीक, और या तो मिक्स का बनता है, मिक्स का मतलब कुछ का अंदर रहेगा कुछ का बाहर रहेगा, कुछ का अंदर रहेगा और कुछ का बाहर रहेगा। तो क्लोज कर्म में यही तीन टाइप बनते हैं, क्लोज कर्म में यही तीन टाइप आपका बनता है। अब देखिए कुछ और चीजें जानेंगे, तो ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। और अगर आप बने रहेंगे तो आज जो है आपका ये टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीटिंग अरेंजमेंट द स्पीड स्टडी। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए कुछ चीजें हम सीखते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं जिसमें आपका रहेगा पहला चीज क्या क्या सीखना है। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए तब हम स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। हेलो पंकज, दीपक, मोहित, मुकेश, आशीष, ठीक है। तो देखिए इसमें समझना क्या है, पहला चीज तो हमको समझना है बायां दायां, दूसरा चीज समझना है पड़ोसी, तीसरा चीज समझना है बीच में, चौथा चीज समझना है सम्मुख और अगला चीज समझना है विपरीत। ये कुछ शब्द हैं, ये कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग इस चैप्टर में होगा बार बार
और इसको अगर आप समझे रहेंगे तो फिर चैप्टर आपके समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कह दिया गया बाया या दाया, अब देखिए अगर आपका मुख अंदर की तरफ है, किधर है, अगर आपका मुख अंदर की तरफ है तो आपका जो इधर का भाग रहेगा वो बाया और इधर का भाग जो रहेगा दाया, ठीक। उसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया, इसकी बात की जाएगी तो ये हो जाएगा बाया और ये हो जाएगा दाया, इसकी बात की जाएगी ये हो जाएगा बाया ये हो जाएगा दाया, इसकी बात की जाएगी तो ये हो जाएगा बाया ये हो जाएगा दाया, उसी तरह इसकी अगर बात की जाएगी तो ये होगा बाया और ये हो जाएगा दाया। किसी को कहीं समस्या हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा। जैसे अगर मुख बाहर की तरफ है तब क्या होगा, अगर मुख बाहर की तरफ है तो यही चीज उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब अब जो है मुख बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ रहेगा तो इधर हो जाएगा आपका बायां और इधर हो जाएगा आपका दायां, इधर हो जाएगा आपका बायां इधर हो जाएगा आपका दायां, इधर हो जाएगा बायां इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां इधर हो जाएगा दायां, इधर हो जाएगा बायां इधर हो जाएगा दायां, ठीक। ये बायां सॉरी दायां, ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। पहला कॉन्सेप्ट आपका है बायां और दायां वाला। तो इसमें देखिए दो चीज आता है, अगर मुख अंदर की तरफ है, अगर मुख अंदर की तरफ है तो जिस पेन से आप लिख रहे हैं उधर की जो दिशा होगी वो दाई होगी और जिससे नहीं लिख रहे हैं वो आपकी बाई होगी। लेकिन अगर मुख बाहर की तरफ है जिस पेन से आप लिख रहे हैं वो आपका क्या होगा बाया और जो नहीं लिख रहे हैं वो आपका होगा क्या दाया। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक। अगर लेफ्ट और राइट समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसको समझ लीजिए, बहुत आसान रहेगा, ठीक। अगर लेफ्ट और राइट की बात करें तो राइट मतलब दाया और लेफ्ट मतलब बाया। अब देखिए पड़ोसी का मतलब क्या हुआ, जैसे कह दिया जाए कि ए बी का पड़ोसी है तो अगर इसको हम ए मान लें तो ए जो है बी का पड़ोसी है, मतलब बी यहां हो सकता है या फिर बी यहां हो सकता है, तो देख रहे ए बी का पड़ोसी होगा दोनों स्थितियों में, ठीक। फिर कह रहा है कि बीच में, तो जैसे कह दिया जाए कि पी और क्यू के बीच में सी है, सी पी और क्यू के बीच में है, इसका मतलब कि अगर हम यहां पे सी लिख दे तो सी पी और क्यू के बीच में रहेगा, सी जो रहेगा वो किसके बीच में रहेगा पी और क्यू के बीच में रहेगा, तो ये है बीच शब्द। सम्मुख का क्या मतलब, जैसे कह दिया जाए कि ए और बी सम्मुख हैं, सम्मुख का मतलब दोनों लोगों का जो मुख है वो एक सीध में है, दोनों लोगों का मुख एक सीध में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ए और बी इस तरह है दोनों लोग, तो देखिए इनका भी मुख इधर ही है इनका भी मुख इधर ही है, मतलब दोनों लोग सम्मुख हैं, दोनों लोगों का मुख जो है वो क्या है समान है, समान दिशा में है। और विपरीत का मतलब क्या हुआ समझिए, विपरीत का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बना है देखिए, विपरीत का मतलब समझिए ये बी और डी, इनको दोनों को देख रहे हैं ना, इनको दोनों देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, सम्मुख नहीं है। सम्मुख क्यों नहीं, क्योंकि इनका मुख नीचे की तरफ है इनका मुख ऊपर की तरफ है, मतलब अगर दोनों लोगों का मुख एक दूसरे की तरफ होता, दोनों लोगों का मुख एक दूसरे की तरफ होगा तो वो सम्मुख है, अगर दोनों लोगों का मुख जो है विपरीत होगा तो वो विपरीत है, ठीक। तो ये चीजें हैं कुछ पॉइंट जो कि बच्चों को समझने में समस्या होती है, तो ये सब हमने बता दिया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या सम दी गई है, जैसे कह दिया जाए कि चार लोग एक मेज के चारों तरफ बैठते हैं, समझिएगा ये सब पॉइंट है जिससे जो है आपका ये पूरा चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। जैसे कह दिया गया कि चार लोग एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, तो अगर संख्या सम दी गई रहे ना तो एक दूसरे के सम्मुख बैठा ना सबको, मतलब एक
दो तीन चार। तो देखिए चार लोग को हमने बैठा दिया। अगर कह दिया जाए छह लोग को बैठाया जाता है तो सम अगर बात की जाए तो सम वाले में एक दूसरे के सम्मुख ही बैठाना। अगर मान लीजिए कह दिया गया आठ लोगों को बैठाता है तो आठ लोग ऐसे हो गए। लेकिन अगर कह दिया जाए पांच लोग बैठते हैं तो फिर पांच लोग चाहे जैसे आप बैठा दीजिए, जैसे बोला बनाइए पांच लोग को बैठा दीजिए, ऐसे बैठा देंगे तब भी सही रहेगा। तो चाहे जैसे बैठाए, अगर विषम है तो चाहे जैसे बैठाए, अगर सम है तो सम्मुख ध्यान देना कि सम्मुख ही बैठें। ठीक, तो ये चीज है। जैसे हम कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, जैसे कुछ प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर एक, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, क्या कहना है समझिएगा। पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड और यस अव्यवस्थित क्रम में, ठीक, अव्यवस्थित क्रम में वृत्ताकार एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं देखिए, वृत्ताकार बैठे हैं इसका मतलब एक वृत्त बना लीजिए। कितने लोग बैठे देखिए, P W Q X R Y Z S, मतलब पांच और तीन आठ लोग बैठे हैं। आठ लोग बैठे हैं, चलिए आठ कर देते हैं हम, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लोगों को हमने बैठा दिया, आठ लोग बैठ गए। अब प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। पहले आप ये समझ लीजिए प्रश्न में, पहले आप ये निकालिए कि कौन सी जानकारी हमको एकदम स्पष्ट दी गई है। तो एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। वाई जो है, वाई ठीक क्यों और आर के बीच में बैठा है। एक चीज हमको मिल गया कि वाई जो है क्यों और आर के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब कि क्यों और आर के बीच में वाई है, इसका मतलब कि Q और R के बीच में Y बैठा है। मतलब या तो Q यहां होगा R यहां होगा, या तो R यहां होगा Q यहां होगा, इसीलिए हम इस तरह बना देते हैं। आगे चलिए, आगे प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है P ना तो X के और ना ही Z के बगल बैठा है। P जो है ना तो, P जो है ना तो X के बगल बैठा है और ना ही जेड के बगल बैठा है। तो ये अपवाद है, ये अपवाद है, इसको ऐसे कहीं लिख लीजिए। ठीक, कि मतलब पी ना तो एक्स के बगल बैठा है ना तो जेड के बगल बैठा है। आगे पढ़िए, कह रहा है क्यों के दाएं जेड है, क्यों के दाएं जेड है, तो क्यों ये है और इसके दाएं की बात की जाए तो क्यों के दाएं, अर्थात यहां तो वाई है, अर्थात यहां पर नहीं होगा, इसका मतलब क्यों आपका कहां होगा। देखिए स्पष्ट हो गया, क्यों आपका यहां होगा और क्यों के दाएं जेड है तो अर्थात जेड आपका यहां होगा। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि सभी लोग जो हैं वो वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और एक दूसरे के सामने का मतलब ये हुआ कि इनका मुख किधर है, इनका मुख केंद्र की तरफ है, तभी तो एक दूसरे के सामने बैठेंगे। देखिए इसमें कह रहा था कि क्यों के दाएं जेड है, जेड जो है क्यों के दाएं है, इसीलिए क्यों यहां होगा, और जब क्यों वहां होगा तो एक चीज फिक्स हो गया कि आर यहां होगा। किसी को कोई समस्या, पहले फिक्स नहीं था कि क्यों और आर कहां है, पहले केवल यही था कि वाई जो है वो क्यों और आर के बीच में है, तो क्यों यहां हो सकता था, आर यहां हो सकता था, दूसरी स्थिति में क्यों यहां हो सकता था, आर यहां हो सकता था। फिर हमने आगे जब पढ़ा तो उसमें कह रहा है कि जेड क्यों के दाएं है, अगर हम क्यों यहां रखेंगे तो जेड यहां होना चाहिए जो कि गलत है, तो इसीलिए क्यों के दाएं अर्थात क्यों यहां होगा तो जेड कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यक्ष के बाएं से और यक्ष के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यस बैठा है। समझिएगा, कह रहा है कि क्यों के यक्ष के बाएं से और, एक बार फिर से समझिएगा,
यक्ष के बाएं से और वाई के दाएं से, तो वाई के दाएं से, तो वाई यहां पे है और इसका दाया, वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यक्ष बैठा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यक्ष बैठा है। कहां से? फिर समझिएगा, यक्ष के बाएं से। तो अब इधर से कोई स्थिति नहीं है जो कि तीसरे नंबर पर पड़े। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात यक्ष आपका, यक्ष आपको कहां रहेगा? यहां रहेगा। तो अब समझ लीजिए प्रश्न को क्या कह रहा है कि यक्ष के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे नंबर पर यक्ष है। तो यक्ष के बाएं देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, और वाई के दाएं देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, यक्ष बैठा दिए। अब समझिएगा, अब आगे क्या कह रहा है कि यक्ष किसके बीच में बैठा है। तो चलिए अब सारी चीजें भर दीजिए। क्या कह रहा था? पी जो है यक्ष और जेड के बगल नहीं रहेगा। इसका मतलब कि अगर हम पी को यहां रख दें, अगर हम पी को यहां रख दें, तो देखिए चूंकि कह रहा पी यक्ष और जेड के बगल नहीं रहेगा, पी को अगर हम यहां रखेंगे तो जेड हमारा यहां पे है, जेड के बगल पी नहीं पड़ेगा, यक्ष हमारा यहां पे है, यक्ष के बगल भी पी नहीं पड़ेगा। और बचा कौन? एक लोग बचे होंगे, कौन बचा है? देखिए डब्लू बचा है, तो यहां पे किसको बैठा दीजिए? यहां पे डब्लू को बैठा दीजिए। देखिए आपकी पूरी अरेंजमेंट पूरी हो गई, आपकी सारी अरेंजमेंट पूरी हो गई जो चीज कह रहा था। अब प्रश्न में जो भी पूछेंगे वो सारी चीजें हम लिख सकते हैं। कहीं समस्या हो तो बताइए, कुछ कहा किया नहीं गया, केवल जो कह रहा था वही हमने किया। कह रहा था वाई और वाई जो है वो क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो वाई को हमने क्यू और आर के बीच में बैठा दिया, ठीक। फिर कह रहा था कि क्यू के दाएं जेड है, इसलिए क्यू के दाएं जेड को कर दिया। फिर आगे कह रहा था कि जो है वाई से तीसरे स्थान पर और यक्ष से तीसरे स्थान पर यक्ष है, तो वाई से तीसरे स्थान पर यक्ष, यक्ष के तीसरे स्थान पर यक्ष। फिर आगे देखिए कह रहा था पी जो है यक्ष और जेड के बगल नहीं रहेगा, तो देख रहे हैं यक्ष आपका यहां है, जेड आपका यहां है, अर्थात पी ना तो यहां होगा ना तो यहां होगा, तो एक स्थिति बची पी यहां होगा, और पी यहां होगा तो जो बचा वो हमारा यहां हो जाएगा। जैसे एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और देखिए, कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि एक वृत्त में पांच लोग ए बी सी डी ई एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। पांच लोग बैठे हैं, तो पांच लोग बैठे हैं, बैठा लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक। पांच लोग एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब केंद्र की तरफ सबका मुख है। आगे चलिए, कह रहा है बी के दाएं और ए के बाएं बैठा व्यक्ति एक ही है, मतलब जो बी के दाएं बाएं बैठा है वो ए के दाएं बैठा है। चलिए इसमें आज स्पष्ट है, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। डी बी के दाएं बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है, अर्थात अगर बी यहां है तो डी यहां हो जाएगा। देखिए बी के दाएं कौन बैठा है? डी बैठा है। चलिए आगे चलिए, कह रहा है कि ए ई और सी बीच में बैठा है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा है। अब इसको थोड़ा रुक जाइए, पहले नंबर पर चलिए। कह रहा था बी के बाएं और ए के दाएं एक ही व्यक्ति बैठा है, बी के बाएं, तो बी के बाएं कौन हो जाएगा? ये, और ए के दाएं, अर्थात ए के दाएं ये, यहां पर एक ही व्यक्ति बैठा है, मतलब बी के बाएं जो बैठा है वही ए के दाएं बैठा है, ठीक। अब आखिरी पॉइंट पर चलिए, कह रहा ए ई और सी के बीच में बैठा है, ए ई और सी के बीच में बैठा है, इसका मतलब ई या सी और सी या ई, मतलब अगर यहां ई होगा तो यहां सी होगा, यहां सी होगा तो यहां ई होगा, ये चीज है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा था प्रश्न में, कह रहा है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए में क्या कह रहा है? देखिए केवल एक और दो पर्याप्त है, केवल एक और तीन पर्याप्त है, केवल तीन पर्याप्त है, या फिर अगला कह रहा है लक्ष्य अपर्याप्त है।
तो इसमें आपका डी सही होगा, लक्ष्य अपर्याप्त है कि हमको क्या करना है, ये चीज हमको फिक्स नहीं दिया गया है। तो ये चीज है इसकी सीटिंग अरेंजमेंट, इसका जब अरेंजमेंट करेंगे तो यही चीज है। और काहे के लिए हमने इस पर लगाया कि लक्ष्य अपर्याप्त है, क्योंकि देख रहे हैं कि ये दोनों लोग फिक्स नहीं है कि यहां पे कौन एक रहेगा। ठीक, यहां पे या में आने लगा कि या तो सी रहेगा या तो ई रहेगा, इसीलिए ऐसा होगा कि लक्ष्य क्या है आपका, अपर्याप्त है। ठीक, तो ये चीज है आपकी सीटिंग अरेंजमेंट की हल करने की विधि। जैसे एक प्रश्न हम लेते हैं जिसमें जो है मुख उनका बाहर की तरफ रहे, समझिए एक प्रश्न लेते हैं जिसमें मुख किधर रहे, बाहर की तरफ रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि लिखा है कि मोहित, प्रेरणा, कुतुब, राहुल, स्टैलिन, तुहिन, उजाला, वरुण और बहिरा एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन कौन बैठा है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आठ लोग हैं। तो आठ लोग हैं तो एक वृत्त बना लीजिए और वृत्त के चारों तरफ आठ लोग को बैठा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ लोग को बैठा दीजिए। क्या कहना सुनिएगा, कौन कौन लोग हैं, प्रेरणा कुतुब राहुल, प्रेरणा कुतुब राहुल, स्टालिन तुहिन उजाला। ठीक, 3, 3, 6 दो और हैं उजाला, उसके बाद वरुण और वहीदा। ठीक, ये चीज है, देखिए सबको बैठा दिया। अब चलते हैं बैठाते हैं, प्रश्न क्या कह रहा सुनिएगा, कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मतलब कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सब लोग। आगे कह रहा है कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है लेकिन तुहिन या स्टाइलिन का पड़ोसी नहीं है। वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं देख रहे हैं, प्रेरणा के तुरंत बाएं वहीदा है। अगर स्पष्ट नहीं है तो चाहे जो भर दीजिए आप। फिर आगे देखिए कह रहा है उसी में कि लेकिन वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है लेकिन तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है। मतलब वहीदा जो है वो तुहिन या स्टालिन का पड़ोसी नहीं है। ठीक, इसका मतलब कि यहां पे ना तो तुहिन आएगा और ना ही स्टालिन आएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है। फिर आगे देखेंगे वरुण तुहिन के बगल में बैठा है, वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। फिर आगे देखेंगे तो क्या कह रहा है कि राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। तो इसको देखिए, इसको अभी मिटाल दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें स्पष्ट हमको एक चीज मिल गया। क्या मिल गया कि राहुल जो है वो तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है। तो इसका मतलब कि तुहिन और उजाला के बीच में कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर एक चीज निकालिए कि जो फिक्स दिया गया हो। इसमें फिक्स हमको मिल गया कि राहुल तुहिन और उजाला के बीच में बैठा है, इसका मतलब कि तुहिन या उजाला और उजाला या तुहिन, मतलब ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं, ये दोनों स्थितियां हो सकती हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब चलिए अब प्रश्न पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि उजाला जो है कुतुब के तुरंत दाएं बैठा है, उजाला जो है कुतुब के तुरंत दाएं बैठा है। तो देखिए अगर हम कुतुब को यहां रखेंगे तो उजाला किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, इसीलिए कुतुब यहां होगा और कुतुब के दाएं उजाला होगा, तो इसीलिए यहां पे फिक्स हो गया कि यहां पे कौन आएगा, उजाला आएगा। और जब यहां पे उजाला आएगा तो यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे तुहिन आ जाएगा। अब आगे समझिए, कह रहा था प्रश्न में कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है
लेकिन तुहिन या स्टाइलिंग का पड़ोसी नहीं है। फिर आगे कह रहा था उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है, और आगे कह रहा था कि वरुण तुहिन के बगल में बैठा है। वरुण तुहिन के बगल में बैठा है इसका मतलब कि वरुण जो है भाई यहां तो बैठ नहीं सकता, तो यही बैठेगा। तो देखिए वरुण तुहिन के तुरंत बगल में बैठा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा था कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, लेकिन तुहिन या स्टाइलिंग का पड़ोसी नहीं है। तो इसका मतलब कि वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, तो इसका मतलब प्रेरणा अगर यहां पे है तो वहीदा कहां पे होगी, यहां पे होगी। लेकिन प्रेरणा वहीदा प्रेरणा के तुरंत बाएं है, ठीक। तो ये चीज है। अब बचा कौन, एक लोग बचे हैं स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग आपके कहां आ जाएंगे, स्टाइलिंग यहां आ जाएंगे, ठीक। तो ये चीज है, कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिए और हम बताएंगे, ठीक। तो आज हमने जो है एक चीज सीखा कि जब मुख केंद्र की ओर रहेगा तब उनका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ठीक। तो ये चीज है, अगले वीडियो में हम इसका बचा हुआ भाग देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपने कोर्स को समाप्त करने की ओर अग्रसर हैं, और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि एक तारीख तक आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट कर ली जाए। और मैं बोला था कि सितंबर से पहले पहले अर्थात आपके एग्जाम के पहले पहले मैं आपकी रीजनिंग समाप्त कर दूंगा, और वो समय आ गया है कि आपके अगस्त स्टार्ट होने के पहले पहले या फिर 5 अगस्त के पहले पहले आपकी रीजनिंग पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिस करवाया जाएगा, धुआंधार प्रैक्टिस होगा, 100-100 क्वेश्चन का, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाएगा परीक्षा का। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।